बिहार में आज फैसले का दिन है। दोनों ही तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि खेला होगा। सवाल उठता ये है कि आज आखिर क्या होगा। विधानसभा में आज तय होगा कि आखिर सरकार बची रहेगी या चली जाएगी। और आरजेडी की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ही कहा था 28 जनवरी को कि खेला तो अब शुरू होगा। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। मृत्युंजय जी, खेला तो आरजेडी के साथ ही होने लगा है, चेतन आनंद चले गए अपने घर। मैंने कोई खेला हमारे साथ नहीं हो सकता है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हम होंगे कामयाब, मुझे पूरा है विश्वास। और जनता का जो प्यार और आशीर्वाद, पर यहाँ तो विधायकों की संख्या का मामला है, जनता का आशीर्वाद प्यार नहीं। नहीं, 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 जनता का प्यार आशीर्वाद इसलिए हमने कहा कि जो 17 महीने में काम करके तेजस्वी यादव जी ने लकीर खींची है, तो सभी माननीय विधायकों ने ठाना है कि बिहार को बचाना है, बिहार को बनाना है, तो फिर तेजस्वी सरकार ही बनाना है। और दो चार घंटे की मेहमान है, जो भी होगा ये फैसला हो जाएगा कि सरकार की आयु कितने देर की है। उन लोगों ने तो आप ही के कैंप में सेंधमारी कर ली, जो दो दो दिन बैठे थे वो फिर वापस चले गए। हमारे कोई कैंप में सेंधमारी नहीं हो सकती है। ये जनता का बल है, राष्ट्रीय जनता दल गरीबों का बल है। सारे माननीय विधायक महागठबंधन के इंटैक्ट हैं। अब जो लोग भोज दे रहे हैं, जो लोग शासन प्रशासन तंत्र लगा रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि कौन डरे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि रात में पुलिस भेजी जा रही है तेजस्वी जी के आवास पर। तो ये क्या हो रहा है? लोकतंत्र जीतेगा चाहे जितना भी ये सरकारी तंत्र। सवाल वही है कि 122 आएगा कैसे? देखिए, इस सवाल का जवाब तो दो चार घंटे में मिल जाएगा। संख्या बल का खेल है और संख्या बल का खेल लोकतंत्र के मंदिर में, विधानसभा के अंदर, अभी दो चार घंटे में पता चल जाएगा कि किसके पास संख्या बल है। सारे तंत्र को लगाया जा रहा है। भी आरजेडी ने अगर कुछ जुगाड़ किया होगा तो किधर उसकी नजर है? भाई, हमको तो जुगाड़ पर विश्वास नहीं है, ना किसी तंत्र पर है। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। अंतर आत्मा से सभी विधायक अपने हित चाहेंगे, अपना हित चाहेंगे और बिहार की भलाई के लिए। इसका मतलब तो आप हार मान गए हैं लगता है। नहीं, हार का कहां सवाल उठता है? राष्ट्रीय जनता दल और हार, इससे तो कोई संबंध ही नहीं है। हम लड़ने वाले लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं, और लड़े के बाद जीते के बाद, ये हमारे तेजस्वी यादव जी का मंत्र है। तो दावा ये है कि अभी तो खेल बाकी है, कुछ घंटों बाद पिक्चर साफ हो जाएगी।